हाल ही में केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है प्रोफेसर सविता लाडेज को। हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो केरला में। हाल ही में जारी वीमेंस टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एगा स्विटक को चुना गया है, ये पोलैंड की हैं। 2023 में रीच गेम चेंजर इनोवेटर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अतुल साह को। और विजनरी लीडर आइकॉन 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर श्रीनिवास नाइक को। भारत ने हाल ही में स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो कर्नाटका में। हाल ही में आठवां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ? तो गुवाहाटी में। और हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस डायमंड बोस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया है? तो गुजरात के सूरत में। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है रिजुल मनी ने। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भारत के लिएंडर पेस। हाल ही में कोविड-19 का नया सब वेरियंट JN.1 किस राज्य में सामने आया है? तो केरला के तिरुअनंतपुरम में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर को यह मनाया गया। हाल ही में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। और हाल ही में जैस्पर नाम का चक्रवात कहाँ पर आया है? तो यह आया है ऑस्ट्रेलिया में। और हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? तो 16 दिसंबर को यह मनाया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीत लिया है? तो जीता है इसको हरियाणा ने राजस्थान को हराकर। आईपीएल नीलामी 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे? तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टॉक 24.7 करोड़ में इनको खरीदा गया। बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किस खिलाड़ी से है? तो महेंद्र सिंह धोनी से है, इन्हीं के जर्सी का नंबर था ये, और अब यह नंबर किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग मेकर्स 2 हाल ही में किसने शुरू किया है? तो इंटरपोल ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर को। भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो KPIT टेक्नोलॉजी ने। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को। छठवें खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होगा तमिलनाडु में। पहली बार अंडर 19 एशिया कप 2023 को किस देश ने जीता है? तो बांग्लादेश ने। हाल ही में श्रीलंका ने भारतीय सशस्त्र बल को किस सम्मान से सम्मानित किया है? तौल। पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को किस देश ने जीत लिया है? तो जर्मनी ने इसको जीता है। आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में कहां पर लागू हुआ? जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, और ये तीसरी बार बने हैं। गेल्फो स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कहां पर होगी? तो ये भूटान में होगा। और हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 18 दिसंबर को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो चिराग चंद्रशेखर सेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को चुना गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 2023 के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना है? तो हार्दिक सिंह को, ये भारत के हैं। हाल ही में इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान-4 मिशन को कब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 2028 में। हाल ही में बीबीसी का स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मैरी इरप्स को चुना गया है, ये एक फुटबॉलर हैं। सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? सौरभ कोठारी ने जीता है। जल महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? तो 20 दिसंबर।